सहजनवा थाने की पुलिस ने 14 अगस्त को युवक धीरज पांडे की हत्या करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान डॉक्टर प्रभाकर वर्धन राज उर्फ नीटू राज पुत्र सर्वजीत राज निवासी ग्राम जुमरी निवास थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त 14 अगस्त को सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम पनपा में युवक की हत्या में शामिल था, जिसके ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जल्द ही बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सहजनवा थाना प्रभारी मानवेंद्र पाठक, उप निरीक्षक अनिश कुमार शर्मा, कांस्टेबल संतोष पांडे, अशोक कुमार, इंद्रजीत यादव, महिला कांस्टेबल सुमन यादव, जीत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 14/8/2022 को ग्राम पनिपा थाना सहजनवा में धीरज मुनि पांडे नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिस पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में आज अभियुक्त प्रभाकर वर्धन उर्फ नीतू, जिसका के नाम स्वयं मृतक द्वारा अपने मृत्यु से पूर्व एक वीडियो में कहा गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा वे चुनाव प्रचलित हैं।